हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जैसा कि आपने पार्ट वन द लास्ट स्प्रिंग के पार्ट वन में आपने देखा कि कैसे साहब की स्थिति, क्योंकि उसके पूर्वज आए हुए थे उस बांग्लादेश से, जब वो वहां से भगाया जा रहा था उस समय आके एक रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं और उसके क्या कष्ट है वो सब एयरलेक का एनिस जंग से वो बता रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसी स्थितियां बच्चों के साथ घटित होती है, क्योंकि आपने देखा कि उनकी स्थिति कूड़ा बीनने वाली है और वो कूड़े को ही अपनी रोजी रोटी मानते हैं, जो कि बच्चे के लिए वही सब चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब देखते हैं साहब क्या कहता है। तो कहता है कि आई समटाइम्स, मैं कभी कभी फाइंड पा जाता हूं और रुपी एक रुपया, इवेन अ 10 रुपया, कभी 10 रुपए का नोट। कभी कभी मुझे उस कूड़े में, यानी कूड़ा बीनते समय, मुझे 1 रुपए का या कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है, हिज आई लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये कहते ही उसकी आंखें क्या होती हैं, चमक उठती हैं। When you can find, जब तुम पा सकते हो a silver coin in a heap of garbage, जब तुम कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा सकते हो, तो you don't stop surrounding, for there is hope of finding more। यदि तुम्हें कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम अपने और ज्यादा पाने की इच्छा में तुम क्या करोगे, ढूंढना बंद नहीं करोगे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट की फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इसे देखकर ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट, कूड़ा बीनने का अर्थ अलग होता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट, उनके माता पिता से। इन सब बातों को जानने के बाद ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़ा बीनने का अर्थ उनके माता पिता के कूड़े बीनने के अर्थ से क्या होता है, बिल्कुल जुदा होता है, एकदम अलग होता है, क्योंकि ये कुछ और उसमें अनोखी अनोखी चीजें, पैसे पाने की लालच में कि कुछ और मिल जाएगा बीनते हैं, जबकि उनके परिवार, उनके मम्मी पापा क्या सोचते हैं सुनिएगा। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज रैप इन अ वंडर, ये आश्चर्य से लिपटा है, बच्चों के लिए क्या है, आश्चर्य में लिपटी हुई चीजें होती कि रोज कुछ विचित्र चीजें होंगी। फॉर द एल्डर्स, बल्कि उनके बड़ों के लिए, इट इज मींस अ सर्वाइवल, क्या है, उनके जीवन का अस्तित्व है, यानी खाना पूर्ति, यानी क्या है, पेट भरने का एक साधन है, जीवन जीने का एक साधन है। कूड़ा बीनकर वो अपना पेट पालते हैं, परिवार को जिलाते हैं, सर्वाइव करते हैं। वन विंटर, एक शीत ऋतु के मॉर्निंग, सुबह में, आई सी, मैं देखती हूं, एक सर्दी की सुबह में मैं देखती हूं, कौन कह रहा है, लेखिका एनिस जंग कह रही हैं कि साहेब स्टैंडिंग बाय द, साहेब पास में खड़ा है, बाय द फेंस, चार दीवारी के गेट, दरवाजे के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन मैं साहेब को पास के क्लब के, साहेब को पास के क्लब के चार दीवारी से के पास, जो गेट है उसके पास में खड़ा हुआ देखती हूं। अब वाचिंग, जो देख रहा है, टू यंग मेन, दो नवयुवकों को, जो दो नवयुवकों को देख रहा है, ड्रेस इन व्हाइट, जो सफेद ड्रेस पहने हुए आप प्लेइंग टेनिस और टेनिस खेल रहे हैं, और जहां से वह सफेद पोशाक पहने हुए दो नवयुवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है, साहब कहा, क्या ही हम सो बुदबुदाया, मुझे ये खेल बहुत पसंद है, उसकी इच्छा हो गई कि वो खेल वो भी खेले। कहने का अर्थ यही है कि उसके अंदर इच्छा जाग रही है, वो क्या, टेनिस खेलने की। और कंटेंट, संतुष्ट हो गया, टू वास, देख कर इट इसको, इसे स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह चार दीवारी के पास इसे देखकर ही उसे संतुष्टि होती है, वो खेल तो नहीं पा रहा लेकिन चार दीवारी के पास से खड़ा होकर देखकर ही टेनिस का खेल, वो क्या है, उसे संतुष्टि मिल रही है।
आई गो, कह रहा है कि आई गो, मैं भी क्या करूंगा, इन साइड अंदर जा सकता हूं, मैं भी अंदर जा सकता हूं। When no one is around, जब कोई नहीं होता है तो मैं भी अंदर चला जाता हूं। कह रहा है जब कोई नहीं होता है तो मैं भी उस ग्राउंड में चला जाता हूं। He admits, इस बात को स्वीकारता है। The gatekeeper, जो पहरेदार है, gatekeeper है, lets me, मुझे ले जाता है, used to swing, झूला झुलाता है, और पहरेदार मुझे ले जाकर झूला झूलता है, यानी पहरेदार मुझे झूला झूलने की अनुमति दे देता है, वो झूला झुलाता है। साहिब टू इज वेयरिंग, साहब ने भी पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है साहिब ने, क्या, टेनिस शूज, आज साहिब ने भी टेनिस शूज पहना हुआ है। सोचो जिसके पास जूते नहीं थे, जो जूतों के लिए सोच रहा था, आज वो टेनिस शूज पहनकर वहां पे खड़ा है। कौन कह रहा है, लेखिका, ये देखी थी एक वो सर्दी की सुबह में कि साहब की ये हरकतें, दैट लुक स्ट्रेंज, जो बिल्कुल अजीब लगता ही है, ओवर ही डिसकलर्ड, उसके रंग क्या, बेरंग शर्ट एंड शॉर्ट्स और नेकर पर, जो उसके बेरंग हो गए, जिसके धूमिल हो गए शर्ट और उसकी नेकर पर, भद्दी लगती है, एकदम अजीब सी लगती है, यानी उतनी अच्छी सूज, ये क्या है, बेकार पड़े हुए शर्ट और नेकर पर क्या है, बहुत अजीब लगती है। समवन, किसी ने गिफ्ट दे दिया है, देन टू मी, उसे मुझे, किसी ने मुझे यह दे दिया है, कौन कह रहा है, साहब कह रहा है किसी ने मुझे ये दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ अ एक्सप्लेनेशन, वो इस बात को स्पष्ट करने के तरीके से, वो इस बात को स्पष्ट करने के तरीके से कहता कि जूते उसे किसी ने दिया है। द फैक्ट, कहने का अर्थ यह है, अब समझ जाओ बात क्या हो सकती है, किसी ने जूते दिए हैं, इसका मतलब जूता कब कौन देता है, आखिर वो जूता टेनिस शूज कैसे पाया, देखिए कि बहुत बड़ी बात है बच्चे। तथ्य यह है दैट कि दे आर डिस्कार्टेड, उसको तो त्यागा गया है, सो जूतों को आप सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के द्वारा, उन जूतों को किसी धनी लड़के द्वारा क्या किया है, त्याग दिया गया है, यानी फेंक दिया गया है। हु परहैप्स, जो शायद रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था टू बियर, पहनने से देम, उनको शायद उसने उनको इसलिए पहनने से मना कर दिया था, बिकॉज क्योंकि आप होल इन ऑन देम, क्योंकि उन जूतों में से किसी एक जूते में क्या था, छेद हो गया था, इसलिए उस धनी व्यक्ति के लड़के ने उस जूतों को पहनने से इनकार कर दिया था, और ये जूते जो साहब पहन के आया है वही जूते हैं। देखो जिसके लिए क्या होता है बच्चे, जिनके पास जो कुछ नहीं होता है, अगर थोड़ा खराब भी होकर उनको मिल जाए तो उसकी खुशी होती है। तो आप कभी भी जो कपड़े आप सोचते हो कि हम पहन के जो फेंकते हो ना, नहीं, कोशिश क्या करो कि उन्हें ऐसे लोगों को दे दो जिनके पास वो चीजें पहनने को सोचते हैं, तो फेंकने से अच्छा कुछ दुआएं लो, और कोशिश करो कि हम फेंके ही ना, ज्यादा से ज्यादा हम एक दो कपड़ों को ही यूज करें, क्योंकि अभी मैं तो यही कहूंगा कि मम्मी पापा जिस मेहनत के साथ कमाते हैं उनको आपको भी ध्यान रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आप पहनना ओढ़ना बहुत अच्छी बात है, अच्छे से रहना ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अति भी करना अच्छी बात नहीं होती है। तो डज नॉट बादर हिम, उसे कोई परेशानी नहीं है, इसमें उसे कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन, किसी भी एक व्यक्ति के लिए, हु हैज वॉक, जो पैदल चला हो, बेयरफुट, नंगे पांव, और ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव पैदल चला हो, इवन शूज विथ होल इज ड्रीम, छेद हुए जूते भी, छेद हुआ जूता भी ड्रीम कम ट्रू, उसके सपने के सच होने जैसा है। और ऐसा ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने क्या हो, पैदल जो है वो चला हो, किस लिए पैदल चला हो, उसके लिए ऐसे फटे हुए जूते भी क्या है, किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। अब देखिए,
बट द गेम, लेकिन वह खेल ही इज वॉचिंग, जिसको देख रहा था, सो इंटरेस्टिंग, बहुत ही गहराई से, लेकिन वह उस खेल को बहुत ही गहराई से देख रहा था एकदम बहुत। कौन साहेब? इज आउट ऑफ हिज, जो उसकी पहुंच से बाहर थे, लेकिन जिस खेल, वह खेल जिसको वो इतने ध्यान पूर्वक देख रहा था, वो उसकी पहुंच से क्या थी, बाहर थी। जूते तो मिल गए, लेकिन टेनिस खेलने का मौका मिल जाए, बहुत बड़ी बात थी उसको। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज साहेब क्या है, दूध की दुकान पर दूध लेने के लिए जा रहा है, दूध वाले दुकान की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कनिस्तर, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर है। आई नाउ वर्क, वो कहता है कि आई नाउ, मैं अब वर्क, काम करता हूं, इन अ टी स्टॉल, एक टी की एक चाय दुकान पर, डाउन द रोड, सड़क से कुछ आगे। ही सीज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अन अकेडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे इनरोल कर सकते हैं और ये टेस्ट होगा संडे को 22 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे। इसमें क्लास 9 से 10 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 45 मिनट का होगा और क्लास 11 से 12 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 60 मिनट का होगा। और जो भी बच्चा इस टेस्ट में रैंक 1 से 4 के बीच में आता है उसे अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी क्लास का लिंक दिया, उस क्लास पर जाना है। जैसे ही जाओगे वहां पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगेगा तो आप शुभम UP10 इस कोड को जैसे डालोगे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल कर लो। द डिस्टेंस, वो दूर की ओर इशारा करते हुए, साहेब दूर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि सड़क से कुछ आगे, मैं अब एक चाय की छोटी दुकान पर काम करता हूं। यानी वो बता रहा है कि अब आज से वो क्या कर रहा है, एक चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया है। वो इशारा, दूर इशारा करके, देखो देखो वहीं पर जो है ना, सड़क से कुछ आगे एक चाय की छोटी सी दुकान है, मैं वहीं पर काम करता हूं। ये कौन कह रहा है? ये एनिस जंग को जो है साहेब बता रहा है। I am paid 800 rupees and all my meals. इसके लिए मुझे 800 रुपए और मुझे पूरा भर पेट खाने को मिलता है। मुझे 800 रुपए और भर पेट खाने को मिलता है। Does he like the job? क्या उसे ये जॉब पसंद है? प्रश्न उठाया है निशेंग ने, क्या उसे ये जॉब पसंद है, ये नौकरी पसंद है? I ask, मैं पूछती हूं। His face, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ कि हैज लॉस्ट, खो चुका है द केयरफ्री लुक, स्वतंत्रता वाले भाव को। मैंने देखा कि उसका चेहरा जो है अपने स्वतंत्र भाव को क्या है, खो चुका है। यानी वो एकदम कुछ देर के लिए एकाएक चुप सा हो जाता है। और द स्टील कनिस्तर, और स्टील कनिस्तर जो है सिम्स दिखती है हैवियर, भारी देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग से भी, ठीक है। और उस तब उसके हाथ में जो कनिस्तर है वो उसके प्लास्टिक बैग से भी क्या है, भारी सी लगने लगती है। ही वुड, जिसको वो कैरी लाया था, सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वो अपने कंधे पर टांग कर क्या है, हल्के रूप में लेकर आया था, लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर क्या था, बहुत हल्का महसूस करते हुए लेकर आया था। अब वो बैग, प्लास्टिक बैग से भी वो कनिस्तर क्या लग रहा था, भारी लग रहा था। द बैग वाज हिज, ये बैग उसका था, जो बैग उसके पास था ये साहेब का ही था। और द कनिस्तर बिलोंग्स टू द मैन, और कनिस्तर उस व्यक्ति का था हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय के दुकान का मालिक था। लेकिन ये कनिस्तर है जो है उस व्यक्ति का था जो क्या था, साहेब का मालिक था। फिर कह रहा है कि साहेब इज नो लॉन्गर, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा। साहेब क्या है, अब खुद का मालिक नहीं रहा, आज वो दूसरों के ऊपर क्या है, निर्भर हो चुका है, वो अब खुद का मालिक नहीं रहा। अब यहां है कि आई वॉन्ट,
आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। साहेब की बात यहां पर खत्म होती है। अब उन्हीं लड़कों में से एक दूसरे लड़के मुकेश की बात स्टार्ट होती है। देखो साहेब की क्या दशा थी और कैसे कैसे उसने क्या बातें की सब आपको समझा दिया गया। जिसने अभी पहली वीडियो नहीं देखी उस पहले वीडियो को आप कहानी के देख जाओ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन के आंसर वैसे ही बताओ जिससे आपने फर्स्ट लेसन का आपने बहुत अच्छे से समझा और उसका किया। देखो और सबसे बड़ी बात कि अभी आप देख तो रहे हो लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है अभी हमारे सुहम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए। पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद लगातार वीडियो को देखिए और कहानी को समझते रहिए, ठीक है बच्चे। और अच्छा लगे तो लगातार कमेंट करो, हाँ सर मैं समझ में आ रहा बहुत बेस्ट, तो वास्तव में हमें भी खुशी होगा और अच्छा लगेगा आगे की और कहानी बताने में। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देकर कहता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वह खुद का मालिक बनेगा। मुकेश जो है आग्रह करते हुए कहता है अरे वो अपना मालिक बनेगा। आई विल बी अ, कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। कहानी यहीं से स्टार्ट है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं, या उसके बाद कहता है कि मैं खुद का मालिक बनूंगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, हुआ घोषणा करता है कौन, मुकेश। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, अरे आई आस्क, मैं पूछती हूं, लड़का कहती है अरे मैं पूछ रही हूं क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है, कार चलाने के बारे में तुम्हें कुछ भी पता है। आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा टू ड्राइव अ कार, कार चलाना। ही आंसर, हुआ उत्तर देता है, कहता है मैं कार चलाना सीख लूंगा। कोई थोड़े पैदा होते तुरंत सीख लेता है, धीरे धीरे करके क्या नहीं हम सीख सकते, बहुत कुछ सीख सकते। और आप भी हम जिस तरीके से बता रहे हैं अगर मेहनत कर रहे और समझने का एक बार थोड़ा सा प्रयास करोगे पूरा सीख जाओगे। कोई भी नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी असंभव नहीं है बच्चे, सब कुछ संभव है, बस आपके प्रयास की देरी है थोड़ी सी। तो लुकिंग, देख कर स्ट्रेट सीधी इंटू माई आईज, वो सीधा मेरी आंखों में देख कर कहता है अरे मैं चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम, उसके सपने लूम्स लाइक अ मार्कल एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उसके सपने क्या है उस धूल भरे गलियों में। फिल हिज ओन टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, उसके सपने जो है फिरोजाबाद प्रसिद्ध चूड़ियों के लिए, प्रसिद्ध फिरोजाबाद के उसके कस्बों में धूल भरे गलियों में की तरह ही हैं, धूल भरे गलियों की तरह ही हैं जो उसके सपने हैं। एवरी अदर फैमिली, हर एक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में रहने वाला हर एक दूसरा परिवार, एक परिवार के बाद दूसरे परिवार की अगर बात कर लें तो इज इंगेज्ड, वो लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल, चूड़ियां बनाने में, ठीक है। वो कहां, वो चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है, कांच तोड़ते हुए मेकिंग बैंगल चूड़ियां बनाते हुए फॉर ऑल द वुमेन, उन सभी औरतों के लिए इन द लैंड, देश की, इट सीन्स ऐसा लगता है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि देश की सभी औरतों के लिए वहां के परिवारों ने क्या है कांच तोड़ते हुए और भट्टी के चारों तरफ क्या है काम करते हुए अपने जीवन को बिताया हुआ है, ठीक है। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम, उनमें से किसी को नहीं नो जानता, उनमें से कोई नहीं जानता है दैट कि इट इज इल्लीगल, या गैर कानूनी है। उन लोगों में से कोई भी नहीं जानता कि गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए लाइक हिम टू वर्क, काम करना इन द ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों पर विथ हाई टेम्परेचर, उस तापमान वाली इंडिग्नी सेल्स कोठरियों में विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। उनमें से कोई इस बात को नहीं जानता है कि, अब यहां से अर्थ उठाएंगे कि विदाउट एयर एंड ग्लास, बिना हवा और प्रकाश के वाली कोठरियों में क्या उच्च तापमान वाले भट्टियों पर क्या
क्या है, कांच की भट्टियों पर काम करना बच्चों के लिए गैर कानूनी है, ये बात कोई जानता नहीं है। देखिए अर्थ कैसे निकला, एकदम ऐसे समझना है, दैट द लॉ और यह नियम कि इफ इनफोर्स यदि इस नियम को लागू किया जाए तो कुड गेट हिम, और यदि इस नियम का पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 children क्या होंगे, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज। अगर इस नियम को क्या किया जाए, इन्फोर्स्ड किया कर दिया जाए तो उसके साथ साथ 20,000 लड़कों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, काम करने नहीं दिया जाएगा। वेयर जहां पर दे स्लॉग, वे कठिन स्लॉग कठिन परिश्रम करते हैं, देयर डे लाइट अपने दिन के घंटों में, जहां वो अपने दिन के घंटों में क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, वहां से उन्हें हटा दिया जाएगा। ऑफ इन लॉसिंग प्राय खो रहे द ब्राइटनेस चमक को ऑफ दियर आइज, और वे जहां पर दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हैं दिन के घंटों में और अपने आंखों की रोशनी को खोते जा रहे हैं। मुकेश आइज, मुकेश की आंखें बीम्स चमक उठती हैं, मुकेश की आंख चमक उठती, क्यों भाई क्या हो गया ऐसा कि अचानक मुकेश की आंखें चमक से उठी। जैसे ही वॉलेंटीज वह क्या पेशकश करता है टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने की, जैसे ही मुकेश एनिस जंग को कहता कि चलो आज मेरे घर चलो, ये बात कहते मुकेश खुशी से झूम उठता है और इन खुशी के साथ ये बात कहता है, विच इज प्राउडली, जहां वो गर्व से कहता है, सेज इन बीइंग रिवोल्ट, जहां पर गर्व से कहता है कि उसका घर बनने जा रहा है, वी वॉक डाउन स्टीनिंग लेंस चॉक्ड विद गार्बेज, हम कूड़े से भरे तंग जगहों से क्या करते हैं, हम पैदल चलते हैं, पास्ट होम उन घरों से गुजरते हैं, दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जहां पर वो टूटी दीवारों से पड़े हुए हैं, अब बॉबली डोर्स उजड़े दरवाजों और नो विंडो बिना खिड़कियों वाले, और हम उन घरों से गुजरते हैं जहां पे दीवारें टूटी हुई हैं, क्या उजड़े हुए दरवाजे और वो बिना खिड़कियों के हैं, क्राउडेड भीड़ है, भीड़ वहां पर विथ फैमिली परिवारों की, ऑफ ह्यूमेंस इंसानों के एंड एनिमल्स और जानवरों के, को एक्सिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट, जो आदम युग की तरह वहां ऐसे परिवार रह रहे हैं जो आदम युग की तरह वहां पे मानव, वहां पे मनुष्य और जानवर क्या है, एक ही साथ रह रहे हैं, यानी कि वो परिवार इंसानों का परिवार भी क्या करें जानवरों की तरह क्या है बना हुआ है, कहने का अर्थ कि जानवर उन घर में जानवर भी हैं, वही इंसान भी रह रहे हैं, और ही स्टॉप्स, वह रुकता है एट द डोर, एक दरवाजे पर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही घर के, और तभी मुकेश ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर क्या करता है, रुकता है। देखिएगा आगे धीमा से चल रहा है, देखिए बैंक्स ऑफ बॉबली आयरन, और वह क्या करता है, उस मारता है, लात मारता है बॉबली आयरन डोर, एक टूटे हुए लोहे के दरवाजे को विथ हिज फुट, अपने पैर से, वो अपने पैर से एक टूटी हुई दरवाजे को क्या करता है, लात मारकर खोलता है, एंड पुशेस, धक्का देता है इट ओपन, और उसे धक्का देकर खोल देता है। वी इंटर अ हाफ विल्ड शेक, हम आधी बनी हुई झोपड़ी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, वो भी झोपड़ी पूरी बनी हुई नहीं है, हम उसमें प्रवेश करते हैं, इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, उस झोपड़ी के एक हिस्से में,
क्या है? थैच्ड विथ डेड ग्रास, जो सूखी घासों से क्या है उसका छप्पर बना हुआ है, उसके एक हिस्से में जो छप्परों से क्या है घिरा हुआ है, इज अ फायरवुड स्टोव, एक क्या है, एक चूल्हा है, ओवर विच, जिसके ऊपर शीर्ष बैठाया गया है, लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन, जिसके चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ाया गया है, आप सीजलिंग, जिस पर सीजलिंग हो रहा है, स्पिनिच लीव्स, पालक की पत्तियां उस पर उबल रही है, और उस बर्तन में क्या है, पालक की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जमीन पर एल्यूमिनियम के बर्तन है, आर मोर चॉप्ड, मतलब कटे हुए वेजिटेबल सब्जियां हैं, और जमीन पर कुछ बर्तन है एल्यूमिनियम के, उसमें क्या है, कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। और फ्रेल यंग वुमेन, एक बहुत ही कमजोर नवयुवती, इज कुकिंग, बना रही है द इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, और एक कमजोर नवयुवती पूरे परिवार के लिए क्या कर रही है, भोजन बना रही है, थ्रू आईज, उसकी आंखें फिल्ड विद स्मोक, जो धुएं से भरी हुई, स्माइल से मुस्कुराती है, वो अपनी धुओं से भरी हुई आंखों के साथ क्या है, मुस्कुराती है, और सी इज द वाइफ, वह पत्नी है द मुकेश, मुकेश के एल्डर बड़े भाई की, और वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है वो, और कौन है जो शाम का भोजन पका रही है, एनिस जंग ने जिसको देखा, और जो धुएं भरी आंखों से एनिस जंग को देख के मुस्कुराई थी, अरे हाँ वो मुकेश की भाभी थी। Not much older in years, जो उम्र में का बड़ी नहीं है, she has begin to command respect as the बहू, उसे अब बहू के रूप में उसके सम्मान दिया जाना लगा है, किसको, मुकेश की भाभी को, परिवार में, अब the daughter in law, वह बहू of the house, उस घर की बहू, already पहले इन चार जिम्मेदारियों में है, अब थ्री men, तीन पुरुषों के, उस घर की बहू के ऊपर परिवार के तीन पुरुषों की जिम्मेदारी, किनकी किनकी, सुनना, हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की, एंड दियर फादर, और उसके पिता की, यानी उसके ऊपर अपने पति मुकेश और उन दोनों के पिता की, यानी उसके ससुर की जिम्मेदारी है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब वो बुजुर्ग व्यक्ति घर में आता है, कौन, यानी मुकेश के पापा, तो सी, वह क्या करते हैं जब मुकेश के पापा घर में आते हैं, आप बताओ कि क्या होता है, जब बड़े लोग घर में आते हैं तो गांव में जो लोग रह रहे होंगे वो स्थिति देखे होंगे, घर में की भाभियां यानी घर की दुल्हने क्या क्या करती हैं बताइए, हाँ तो घूंघट डाल लेती हैं, तो एकदम सेम वही बात आएगी जहां तक मैं जानता हूं, ठीक है, तो सी जेंटली वह क्या करती है, स्वाभाविक रूप से विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, पहले तो वो क्या करती है, तुरंत क्या है, टूटी हुई दीवार पे जाके चिपक जाती हैं, लग जाती हैं, एंड ब्रिंग्स हर वेल मतलब घूंघट, और अपने घूंघट को खींच लेती है क्लोजर पास टू हर फेस, अपने चेहरे के, और अपने क्या करती है, घूंघट को अपने चेहरे के पास तक क्या करती है, खींच लेती है, यानी ढक लेती है अपने चेहरे को, जैसा कि कस्टम डिमांड, जैसा कि रीत रिवाज कहता है, ऐसा रीत रिवाज कहता है, इसलिए वो ऐसा करती है, क्या, जैसा कि रीत रिवाज कहता है कि डॉटर्स इन ला बहुओं को मर्स चाहिए वेल घूंघट लेना, दियर फेसेज, अपने चेहरे पर, बिफोर मेल इल्डर्स, ठीक है, पुरुष बुजुर्गों के सामने घर की बहुओं को क्या करना चाहिए, घूंघट लेना चाहिए, अब वो प्रथा कहां रही, ठीक है, लेकिन सम्मान जरूर करना चाहिए, घूंघट जरूरी नहीं है, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से परिवार के बड़ों के बीच रहना ये अच्छी बात होती है। अब इन दिस केस अगर देखें तो द एल्डर इज एन इंप्रूवेस्ट बैंगल मेकर, ठीक है, कि वो बुजुर्ग क्या था बहुत ही गरीब चूड़िया बनाने वाला, अत्यंत गरीब, ठीक है, इंप्रूवेस्ट बैंगल मेकर,
वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो बहुत अत्यंत गरीब चूड़ी बनाने वाला था। डिस्पाइट बावजूद लॉन्ग ईयर्स लंबे समय के आप हार्ड लेबर कठिन मेहनत के अपने कठिन मेहनत लंबे समय तक यानी वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद फर्स्ट पहले एज अ टेलर एक दर्जी के रूप में अदेन बेंगल मेकर और फिर बाद में एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में क्या कह रहा है कि एक दर्जी के रूप में और उसके बाद एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वर्षों तक क्या कठिन परिश्रम करने के बाद He has failed to renovate a house, वो एक घर बनाने में भी क्या किया असफल हो गया। एक दर्जी के रूप में काम किया उसके बाद चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया और वर्षों तक कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने लिए घर नहीं बना पाया यानी घर बनाने में असफल रहा। Send his two sons अपने दो बच्चों को भेजा टू स्कूल उसने अपने दो बच्चों को स्कूल भेजा। All he has managed to do और सब कुछ he has managed to उसने क्या है मैनेज किया है टू टीच दे उनको पढ़ाने के लिए व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स और उसने वह सब करने को मैनेज किया। उन्होंने क्या किया उस बुढ़े व्यक्ति ने वह सब चीज को मैनेज किया है और इस टीच और सिखाया देम उनको व्हाट ही नो जो वह जानता है और वह अपने दोनों बेटों को वही सिखाया जो वह जानता है। क्या जानता है द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल चूड़ी बनाने की कला और उसने अपने उन दोनों बेटों को भी चूड़ी बनाने की कला सिखाया हुआ है क्योंकि उसको वही जानता था। इट इज हिज कर्म देखो गांव की भाषा लोग कहते अरे भैया उसका कर्म फूटा है यानी उसके भाग्य की बात हो रही है तो कह रहा है कि इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी यही उसका कर्म है यही उसका भाग्य है। सेज कहते हैं मुकेश ग्रैंडमदर मुकेश की दादी कहती यही उसका क्या है कर्म है उसका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड जो देखे हर ओन हस्बैंड जिसने अपने पति को देखा है गो ब्लाइंड अंधा होते हुए विथ डस्ट धूल से फ्रॉम पॉलिश से आप ग्लास कांच के आप बैंगल चूड़ियों के जिन्होंने चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने वाले धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देखता है वो दादी कहती है कि यही उसका कर्म है यही उसका भाग्य है। क्या कर सकता है इसी में जीना है इसी में रहना इसी में मर भी जाना है। तो कैन अ गॉड गिवन क्या कोई है जो इस भगवान की दी गई लाइन इज इवर वी ब्रोकन जो इस भगवान की दी गई प्रथा को तोड़ दे क्या कोई ऐसा है जो इस भगवान की दी गई ऐसी प्रथा को तोड़ दे कि हम इस काम को अब मिल गया तो यही जिंदगी भर लाइफ भर करना है क्या है कोई ऐसा। सी इंप्लॉइज वह बोलती हैं बॉर्न इन पैदा होना इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर और चूड़िया बनाने वालों की जाति में पैदा होना कहती है दादी कि चूड़िया बनाने वालों की जाति में पैदा होना। They have seen nothing. उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बैंगल्स को चूड़िया बनाते हुए देखा इन द हाउस घरों में इन द यार्ड क्या है उन्होंने कहा कि चूड़िया बनाने वाले की जाति में पैदा होना वालों को उन्होंने बस चूड़िया बनाते हुए ही देखा है और उन सभी कहां घरों में इन द यार्ड आंगन में इन द एवरी अदर हाउस अन्य दूसरे सभी घरों में उन्हें क्या देखा है चूड़िया बनाते हुए ही उन्होंने देखा। यस ये बात कौन कह रहा है ये बात दादी कह रही हैं क्या और एवरी अदर यार्ड हर जगह हर दूसरे आंगन में हर दूसरी गली में इन फिरोजाबाद के उन्होंने अब तक कहा कि एक चूड़ी बनाने वाले की जात में पैदा होना उन्होंने से कुछ नहीं देखा है केवल चूड़ी बनाते हुए देखा चाहे वो घर में हो चाहे आंगन में हो चाहे बाहर में हो चाहे दूसरे घर में चाहे दूसरे आंगन में या फिर बात के किसी गली में हो उन्होंने अब तक बस चूड़ी बनाते हुए ही लोगों को देखा है। स्पाइरल्स
मालाएं ऑफ बंगाल चूड़ियों की मालाएं बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि चूड़ियों की मालाएं बनाई जाती हैं। सनी गोल्ड जो सुनहले धूप की, पैडी ग्रीन धान जैसे हरे, रॉयल ब्लू राजसी नीला यानी एकदम डार्क यानी गाढ़ा नीला, पिंक गुलाबी पर्पल बैगनी, एवरी कलर बॉर्न हर वो रंग बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, और इंद्र धनुष के उन सातों कलर से बनने वाले उन सभी सात रंगों की चूड़ियां क्या होती हैं, बनाई जाती हैं। अलाई इन द माउंट्स अनकेम्ड यार्ड जिन्हें उस आंगन में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया है, जहां पर आंगन में घरों के आंगन में उसे क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। आर पाइल्ड और ढेर लगा दिए जाते हैं फोर व्हील्ड हैंड कार्स और चार पहिए वाले गाड़ियों के ऊपर उन्हें लाद दिया जाता है। अपुस्ट बाय यंग मैन जिसको नौयुवकों द्वारा धक्का दिया जाता है अलॉन्ग द नैरो लेन्स पतली गली से ऑफ द सेंटी टाउन उस कस्बे की तरफ जहां पर चूड़ियों को जो चूड़ियां बनती हैं उन बनी हुई चूड़ियों को आंगन से चार पहिया वाले गाड़ियों पर लाद दिया जाता है जिसको गांव के नौयुवकों द्वारा पतली गलियों से कस्बों की तरफ ले जाया जाता है। और क्या होता है, एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लेंस ऑफ फ्लेम्स फ्लिकिंग ऑयल लैंप्स और क्या तेल के दीपकों के टिमटिमाते हुए अंधेरे में सीट बैठ जाते बॉय लड़के एंड गर्ल्स और लड़कियां विथ दियर फादर्स अपने पिता के साथ क्या करते हैं बैठ जाते हैं एंड माता के साथ और तेल के दीपकों से जलते हुए टिमटिमाती हुई रोशनी में लड़के और लड़कियां अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं। क्या करते हैं वेल्डिंग जोड़ते हुए पीसेज कलर्ड ग्लास रंगीन कांच को इनटू द सर्कल ऑफ बैंगल्स कांच के उन सर्कल में और कांच के उन गोलों में क्या करते हैं लड़के और लड़कियां उस टिमटिमाती हुई तेल के दीपकों की रोशनी में उनके जोड़ को जोड़ते हुए बैठ जाते हैं। अदियर आईज उनकी आंखें आर मोर एडजस्ट संयोजित हो जाती हैं टू द डार्क उस अंधेरे के साथ देन द लाइट ऑफ आउट बाहर की रोशनी की अपेक्षा और उनकी आंखें बाहर की रोशनी की अपेक्षा उतनी ही रोशनी में क्या होती है समायोजित हो जाती है। दैट इज वाई इसलिए दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट इसलिए वो अपनी आंखों की रोशनी को क्या कर रहे हैं खो दे रहे हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट्स इसलिए वो बुजुर्ग होने यानी वो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को खो देते क्योंकि वो कम रोशनी में ही कांच की चूड़ियों को जोड़ रहे होते हैं और उतने में ही बाहर की प्रकाश के अपेक्षा वो उसको ही अपनी आंखों के साथ समायोजित कर लेते और एक कदम आंखों को दबा दबा उसको लगा रहा है यानी पहले बड़े होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी को गवा देते हैं। सविता अ यंग गर्ल जो एक छोटी लड़की है इन द ड्रैप पिंक ड्रेस जो गुलाबी पोशाक पहने हुए सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन जो एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई है। सविता नाम की एक लड़की एक छोटी सी लड़की जो गुलाबी पोशाक को पहने हुए एक बुजुर्ग महिला के बगल में क्या है बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास व कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड उसके हाथ जैसा कि उसके हाथ मूव मैकेनिकली लाइक द टॉन्ग्स ऑफ अ मशीन जैसा कि उसके हाथ एक मशीन की तरह चल रहे बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। आई वंडर मुझे हैरानी होती है कि सी न्यू द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स कि उसे इस चूड़ियों की सेंसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो जानती है कि सी हेल्प्स मेक जिससे वो मदद करती है। मैं हैरान हूं कि क्या वो इस चूड़ियों को बनाने के बारे में जानती है और जिसमें वो मदद कर रही है इस बात को कौन कह रहा है एनी जंग करे क्या उसे इस बात का पता भी है तो देखिए पता है कि नहीं ये बातें अब आपके सामने आ रही हैं। आप समझो
सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग एस्पिशियसनेस। वह कह रहे कि क्या उसे पता भी है कि यह भारतीय औरतों के क्या है, सुहाग का प्रतीक है, जिन चुड़ियों को बना रही है, जिनमें वो मदद कर रही है। हाई मैरिज, आई मैरिज, मैं जब शादी करूंगा करूंगी, इट विल डाउन ऑन हर सडनली। और वह अचानक, वन डे, एक दिन, व्हेन ही हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड वेल, जब अचानक उसके हाथों में क्या होगा, व्हेन हेन्ना। देखिए यहां पर थोड़ा सा कटा, हाँ, अब यहां पर लिखा है बहुत ही, जिसके बारे में आप जानते होंगे, इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली, अचानक उसके ऊपर ढाल दिया जाएगा एक दिन, व्हेन हर हेड, उसके सर को इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, एक लाल घूंघट से जब उसके चेहरे को एक दिन ढका जाएगा, हर हैंड्स, और उसकी हाथों को डाइट रंग दिया जाएगा रेड, लाल, विद हेन्ना, मेहंदी से, और जब मेहंदी से उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे, एंड रेड बैंगल्स, और यही लाल चूड़ियां रोल्ड ऑन हर रेड, उसके कलाइयों में क्या होंगे, पहना दिए जाएंगे। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो दुल्हन बन जाएगी, और तब वो क्या होगी, दुल्हन बन जाएगी, और लाइक द ओल्ड वुमेन, एक और बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी है, हु बिकेम वन मैरी ईयर सीगो, जिसकी शादी बहुत काफी समय पहले हो चुकी है, और वह उसी औरत, बूढ़ी औरत की तरह हो चुकी होगी जिसकी शादी काफी समय पहले हो चुकी है। सी स्टिल हैज बैंगल्स, अब फिर भी उसके पास चूड़ियां हैं ऑन हर कलाई में, और अभी भी उसके कलाई में क्या है, चूड़ी है। अब बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसके आंखों में अब रोशनी नहीं है, चूड़ियां तो उसके हाथों में आज भी हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। गजब, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि न बोले, न टोके, लेकिन मत रोइए, नीचे ले जाइए, डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो सी से जो कहती है क्या, इन अ वॉयस ट्रेंड ऑफ जॉय, बिना खुशियों वाली आवाज में बूढ़ी औरत कहती है, आज तक एक शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी एक कभी भी पेट भर खाना खाने को नहीं मिला इन चूड़ी बनाते बनाते। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, उसने कभी भी इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन भर में पूरे भोजन का आनंद उसने कभी लिया ही नहीं। That's what, इसलिए सी हैज रिप्ड, वो इसी में लगी रही, हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, बुजुर्ग, विथ फ्लोविंग बर्ड, और उसका पति जो अपनी दाढ़ी, जिसकी दाढ़ियां, वह बुजुर्ग जिसकी दाढ़ियां लहरा रही हैं, से कहता है, आई नो, मैं जानता हूं कि नथिंग एक्सपेक्ट बेंगल्स, चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं, मैं तो चूड़ी बनाने के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूं, कौन, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बेंगल्स, मैं चूड़ी बनाने के अलावा तो मुझे कुछ, मैंने कुछ सीखा ही नहीं, और सब कुछ आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने बस किया टू मेक अ हाउस, एक घर बनाया फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने तो बस अपने परिवार को रहने के लिए घर ही बना पाया, और कुछ नहीं कर पाया मैं। ये बात कौन बोला, वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैंने तो और कुछ नहीं कर पाया। हियरिंग हिम, उसकी बातों को सुनकर वन वंडर्स, किसी को भी आश्चर्य हो जाएगा कि इफ की क्या ही हैज अचीव, उसने पा लिया है व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसको बनाने बहुत लोग असफल हो चुके हैं,
उसकी बातों को, उस कह रहा है कि मैंने तो बस अपने परिवार को, मैंने तो इतना भी कर दिया कि अपने परिवार के लिए ये घर बना दिया, तो उसकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि क्या उसने वह पा लिया जिसको पूरे लाइफ टाइम क्या है, मेनी बहुत से लोग क्या है वो अपने जीवन भर में असफल हो जाते हैं पूरा करने में। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके ऊपर उसके सर पर आज छत है, अ द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, और उसे दुख होता है नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने का, डू एनीथिंग और कुछ न करने एक्सेप्ट सिवाय कैरी ऑन द बिजनेस, अपने व्यापार को ऑफ मेकिंग बैंगल चूड़ी बनाने के, आर नॉट इवन एनफ टू इट, और न खा पाने के, रिंग्स इन एवरी होम क्या है प्रत्येक घरों में जैसा है, और उसे भर पेट न खा पाने के, और चूड़ियों को बनाने वाले अपने व्यापार को के अलावा उसे क्या है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे न होने का दुख है। यानी कि इतना कुछ करता है लेकिन उसे भर पेट खाने के लिए पैसे नहीं, चूड़ियां बनाने के व्यापार को आगे ले जाने के लिए पैसे नहीं, इस बात का उसको क्या है दुख है। द यंग मैन, और वह नवयुवक, इको द लैमेंट ऑफ डियर एल्डर्स, अपने दुख को क्या करते हैं अपने बड़ों से बताते हैं। अ लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, और छोटे ने अपने समय को बिताया है, इट सीम्स ऐसा लगता है छोटों ने अपने समय को बिताया हुआ है इन फिरोजाबाद में, और छोटों ने अपने समय को फिरोजाबाद में क्या किया है बिताया है। इयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग ट्वायल हैव किल्ड ऑल इंटिटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, वर्षों से उनके शून्य हो चुकी, उन्होंने क्या है शून्य होने वाले चेतना के साथ कठिन परिश्रम किया है, हैव किल्ड जो मार चुकी है ऑल इंटिव उनके सभी इनिटिएटिव और ऑल एबिलिटी ऑफ उनके उनके सपनों को, जिसने इतना उनको शून्य बनाने वाली चेतना के साथ उन्होंने कठिन परिश्रम कर किया है, और जिसने उनके सभी सपनों की चीजों को क्या किया है मार दिया है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, तो क्यों नहीं तुम एक सहकारिता, स्वयं को एक सहकारिता की स्थापना करते हो, क्यों नहीं तुम एक क्या करते हो स्वयं सहकारिता की स्थापना करते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने उन नवयुवकों के समूह से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलेस्ट, जो बिचौलियों के बीच क्या है फंसे पड़े हुए हैं, हु ट्रेड दियर फादर्स, जहां पर उन जो काम उनके पिताओं, जिससे उनके पिता क्या थे लिपटे हुए थे, एंड फोर फादर, और उनके पूर्वज भी, आज भी वे लोग भी उन्हीं बिचौलियों के बीच क्या है फंसे पड़े हैं। आज उनसे ये काम कौन करा रहा है, उनको आगे बढ़ने कौन नहीं दे रहा है, क्यों आज वो चूड़ियां बनाने में, क्योंकि जो लोग उनके द्वारा अपनी कमाई कर रहे हैं वो उनको उलझाए हुए हैं। तो जैसा उनके पिता किए हैं, जैसा उनके पिता के पिता ने, उनके पूर्वजों ने किया है, आज वो भी उन क्या है उन मिडलेस्ट के बीच फंसे पड़े हैं। इवन इफ कि क्या वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस, कह रहे कि क्या हम बना सकते हैं, वी आर द वंस हू विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, क्या हम इसे जब हम ऐसा करेंगे तो हु विल बी होल्ड वी पुलिस, हमें क्या होगा पुलिस के द्वारा क्या है ताड़ित किया जाएगा, बीटन पीटा दिया जाए पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड ऑफ जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किसी गैर कानूनी काम में, यदि हम ऐसा करें तो हमें पुलिस द्वारा क्या होगा प्रताड़ना दी जाएगी, हमको पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा किसी गैर कानूनी काम के लिए अगर ऐसा हुआ। दिस इज वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर, कोई नेता नहीं है अमंग देम, उनके बीच क्या कोई नेता उनके बीच में नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि चीजें बहुत अलग दिखती हैं।
दियर फादर्स, दियर फादर उनके पिता आर एज टायर्ड, एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितना कि वे है। उनके पिता तो और थके हुए हैं। जब आप थके हुए हैं तो आपके पिछले वाले तो और थके, जब आपके बीच आप नई पीढ़ी में आ गए और आपके अंदर चेतना नहीं जगी है कि हमें लोग मजबूर किए हुए इस काम को करने के लिए, इस काम से बाहर निकलिए, आप खुद का बिजनेस बनाइए, आपको आपका क्या यूज करके लोग अपने बिजनेस को फैला रहे, तो वो जगने की बात हो रही है। दे टॉक इंडलेसली इन अ स्पाइरल, वे क्या है बहुत ही अनंता के साथ, अंतहीनता के साथ बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी से एंटीपैथी और ग्रीड, जो गरीबी से एपैथी की तरफ और उसके बाद लालच और टू इनजस्टिस अन्याय की तरफ चली जाती है। ये क्या है, ये तुरंत गरीबी से होते हुए कहां पहुंची, अन्याय तक पहुंच जाती है। आई लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनकर, आई सी, मैं देखती हूं कि टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, एक दो अलग अलग संसार को, उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे दो अलग अलग संसार दिखने लगते हैं। कौन कह रहा है, लेखिका एनिस जंग कह रही है कि उनकी बातों को सुनकर अब तो मुझे दो अलग अलग संसार दिखते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में कैद है और बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जातिगत बंधन में बंधा हुआ है। विच दे आर बार्न, जो पैदा हुए हैं इन द अदर विक्टिशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, ठीक है। और मैं एक ऐसा परिवार जो गरीबी में कैद है, अ बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बार्न, और वे जहां पैदा हुए उस जात के बंधन में क्या है, बंधे हुए है, एक ऐसा संसार है। द अदर, दूसरा विशियस सर्कल, एक ऐसा समूह है ऑफ द साहूकार, साहूकारों का। द मिडल मैन, जो कि बिचौलिए है, पुलिस वाले है, द कीपर्स ऑफ लॉ, नियम के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेता हैं। इतने लोग वहां पे क्या है, पड़े हुए हैं। दूसरा संसार इन लोगों का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड बैगेज ऑन द चाइल्ड, वे क्या है, वो साथ साथ वे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को इम्पोज कर रहे हैं। दैट की कैन नॉट पुट डाउन, कि वो उनसे हो नहीं सकता। अब बिफोर ही अवेयर, और जब उनको जानने से पहले, जबकि उनको पता चले, उससे पहले ही ही एक्सेप्ट, वो स्वीकार कर लेते हैं कि इट इज नेचुरली, यह स्वाभाविक रूप से एज हिज फादर, यह उनके पिता की तरह है। और जब उन्हें इस बात का पता चलता है, बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट, और इन सब चीजों को होने से पहले ही वो क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि क्या है, ये सब स्वाभाविक है, जैसा कि उनके पिता ने किया है, एकदम अपने पिता की तरह हुआ, उन लोग की बातों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हम भी अब यही काम करेंगे, क्योंकि कुछ भी अगर वो उठने की कोशिश करेंगे उन्हें फंसा दिया जाएगा गैर कानूनी कामों में। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एस वुड मीन टू डेयर, क्या है, कुछ भी करने मीन टू एयर, चुनौती देना होता है, कुछ भी करने के लिए का मतलब उनको चुनौती देना है। अगर हम कुछ भी अलग करते हैं, इसका मतलब कि हम उनको क्या करना है, चुनौती दे रहे हैं। एंड डेयरिंग, और चुनौती देना इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और यह चुनौती देना उनके इस काम का कोई हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश के अंदर इस बात को देखती हूं तो आई एम चिल्ड, मुझे खुशी होती है
कि मुकेश क्या है, कुछ अलग सोचता है, वह अलग होने की, यानी कि वह उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है। जब मुकेश के अंदर मैं इस बुद्धि को देखती हूं तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही रिपीट्स, वह फिर इस बात को दोहराता है। कौन? मुकेश। मुकेश इस बात को दोहराता है कि वो क्या, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो दोहराता है। फिर मुकेश कहता है कि अरे मैं मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूं। ऐसी बात को सुनकर क्या होता है, एनिस यंग को खुशी होती है कि कम से कम ये इस परंपरा को तोड़ने की बात कर रहा है कि चूड़ियां नहीं बनाएगा, कुछ अलग करेगा। ही विल गो टू अ गैरेज, वो एक गैरेज में जाएगा एंड लर्न और सीखेगा। वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे, गैरेज बहुत दूर है फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। लेकिन गैरेज क्या है, उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह कहा कि मैं पैदल जाऊंगा, जोर देकर कहा, कुछ नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने के सपने देख रहे हो? इन्हें कहा, ये कैसी बात कर रहे हो, कोई साधन नहीं है और तुम हवाई जहाज उड़ाने के सपने देख रहे हो, क्यों ना देखे भाई। ही सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप सा हो जाता है मुकेश ये बात सुनकर। नो नहीं, ही से जो कहता है, स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, वो जमीन को घूरते हुए कहता है, नहीं नहीं, इन हिज अ स्मॉल मर्मर, उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में देर इज एन एम्ब्रेसिंग, बहुत से दुख है, दैट हैज नॉट इट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन उसके अंदर कोई पछतावा नहीं है। उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में बहुत से दुख है लेकिन उसके अंदर कोई भी पछतावा नहीं है इस बात का। किसके अंदर? मुकेश के अंदर। He is content, वह संतुष्ट है। To dream, सपने में आप कार के, वो अपने कार के सपने में ही संतुष्ट है। That he sees, जिसको देखता है, hurtling down the streets of his town, और वो अपने उन कार के सपने में ही बहुत खुश है, जिसको वह क्या है, अपने कस्बे की गलियों में तेज दौड़ते हुए रोज देखता है, वो उन सपनों में ही खुश है। Few aeroplanes फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर कभी कभी ही कुछ हवाई जहाज उड़ते हुए दिख जाते हैं, इसलिए वह अपने कार को कस्बों में तेज दौड़ाने वाले सपने में क्या है, खुश है। कौन? मुकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यह रहा आपका द लास्ट लेसन। अब इसके बाद आपको मिलेगा क्या, इस चैप्टर के शॉर्ट स्टोरी, यानी कहानी आपने सुना दो पार्ट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक लाइन आपको मैंने समझाने का जो कोशिश किया है आपने उस मेहनत के साथ समझा है। अब इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, दोनों वीडियो को देखिए, कहानी को समझिए, तैयार हो जाइए कल किस लिए, अपने शॉर्ट आंसर को कंप्लीट करने के लिए, बहुत शानदार तरीके से मिलने वाला है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अल्पीयूष सर लेता हूं आपसे विदा, तब तक के लिए गुड लक।